नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद नीतीश सरकार की एनडीए सरकार बनने के बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है। जी हां बिल्कुल, नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावे कई नेताओं ने अपने बयान में कहा कि बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे कथन कहे हैं जिससे नीतीश सरकार पर हमला होते हुए विपक्ष ने भी उस बात को उत्तेजना पूर्वक लेकर कई हमलावर स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बयान देते हुए कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। वहीं नीतीश सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में भी भ्रष्टाचार होती है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होती है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे विभाग में भी गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। वहीं बिहार में मंत्री जी के इस बयान पर राजनीति भी काफी गर्माई हुई है। रामसूरत राय ने बयान पर जदयू से ऐतराज जताया है। जदयू MLC खालिद अनवर ने भी कहा कि रामसूरत राय अभी नए नए मिनिस्टर बने हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के लिए क्या कदम उठाती है। इस मामले में कांग्रेस और राजद ने सरकार से जांच की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकृति भी दी है, तो पूर्व के मंत्रियों के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, ऐसा राजनेता ने भी कहा है। राजनेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मंत्री ने सरकार की सच्चाई को उजागर किया और कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है, इसलिए इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना आवश्यक है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये बात जनता भली भांति जानती है, परंतु इसे मानने से जनता इनकार करती है। वहीं विपक्ष ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम लोग तो शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है और बिना चढ़ावे के काम नहीं होता है। वहीं नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावे राजद नेता एवं कई बीजेपी के नेताओं ने कहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल ने भी अपने कथन में कहा है एक सभा को संबोधित करने के दौरान कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी नाजुक होती जा रही है और नीतीश सरकार का इसमें कोई भी असर ना ही प्रभावी रूप दिखाई दे रहा है, ना ही उन्होंने इस पर कोई सख्त कार्रवाई किया या कोई एक्शन लिया है जिससे कि बिहार को और भी ज़्यादा विकासशील राज्य बनाया जा सके। तो तमाम आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।